इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं एंड दैट इज मैस एंड वेट। देखिए जो फिजिक्स से दूर हैं वो इन दोनों क्वांटिटीज को एक ही समझते हैं, बट हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट रखना बिल्कुल गलत है। ये टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। मैं इनको एक दूसरे के कंपैरिजन से समझाऊंगा। हम वेट को W से और मास को M से डिनोट करते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो W इज इक्वल टू एम जी है। आइए इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, और इसके अलावा भी हम इनर्शिया को डिफाइन करते वक्त इसको सीख चुके हैं। वेयर एज वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी, इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी का वेट वो फोर्स होगी जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा रही होगी। मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड, आई मीन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मास के यूनिट्स किलोग्राम्स हैं, वाइल द यूनिट्स ऑफ वेट इज न्यूटन। मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, वेयर एज वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि मास कभी चेंज नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से, बट वेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेरी होता है। लाइक मून पे हमारा वेट डिफरेंट है एज कंपेयर टू द वेट ऑन अर्थ, बस ये डिफरेंस है मास एंड वेट जो आपने याद रखना है अपने पेपर में लिखने के लिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं।